आप सभी को नमस्कार, मैं हूं विशाल गोयल और समय हम मौजूद है जींद के अंदर, जो कि सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत है। और यहीं इनसे कार्यकर्ताओं से कुछ साथी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि सोनीपत के अंतर्गत जो कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट है और हॉट सीट इस बार मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और जेजेपी जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला खुद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रमेश कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा चर्चा करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। जी राम राम। जी राम राम। जी क्या कुछ लगता है कि कौन लोकसभा से, इस सोनीपत लोकसभा से विजय होने वाला है? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भारी मतों से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जीतने वाले हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डे का क्या क्या कारण है, विशेष कारण? वो विकास पुरुष हैं, हरियाणा के अंदर उन्होंने 10 साल की सरकार में बहुत काम किया है। जींद के अंदर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनवाई, 4 लेन हाईवे जो आज लगी यूं का यूं पड़ा उनका टेम पर पास होया हुआ है, और भी सामाजिक काम बहुत अच्छे किए थे हुड्डा साहब। जी आपका क्या कहना है कि क्या लगता है कि कौन लोकसभा से विजय होगा चुनाव? ये सोनीपत जो लोकसभा ये क्षेत्र है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा एक तरफा है। अच्छा, क्योंकि ये आम समाज के, आम धर्म के, हर जाति के नेता हैं, सबको साथ ले चलने वाले नेता हैं। इनने बेखूबी काम करवाया हरियाणा दब के, हर किसी को कोई वो पंचायत चली कोई काम गांव का गया तो उसने मना ही नहीं किया कभी। तो इतनी आसान होगी जीत आपको लग रहा है? दिग्विजय चौटाला खुद मैदान में आए हुए हैं। दिग्विजय चौटाला की तो जमानत जब्त होगी। अच्छा, पक्का जमाने से पता उसको। जी आप क्या कहेंगे शीर्षक के अंदर, क्या लगता है अभी वर्तमान के सांसद से प्रसन्न नहीं है यहाँ की जनता? देखिए मैं तो आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो चुनाव है ये मोदी जी के जुमले और कांग्रेस के विकास, कांग्रेस का विकास बना मोदी जी के जुमलों के आधार पे चुनाव होगा। आज मोदी जी ने 2000 रुपये किसान के अकाउंट में भेज दिए तो किसान पूछता है कि 14,98,000 रुपये मेरे कहाँ गए। दूसरी बात, यहाँ का जो स्थानीय सांसद था उसका कोई मुश्किल से कोई 20-30 गांव होंगे जिन गांव में चुनाव के बाद दोबारा गया है। तो बीजेपी ने जैसे उत्तर प्रदेश में मजहबी बात की, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला, हरियाणा में उन्होंने जाति और जाति के बीच में दीवार खड़ी करने का काम किया। नहीं तो विशेष बात यह है कि आपके पास खुद के मुद्दे क्या होंगे, आप चुनाव में जा रहे हो? हमारे पास तो मुद्दे, हम जो हमने 10 साल में एक रचनात्मक काम किए कांग्रेस पार्टी ने, जिस टाइम पे अमेरिका के बैंकों बैंक कर्ज में डूब गए थे, बैंक बंद हो गए थे, तो मनमोहन सिंह की सरकार में कोई आर्थिक संकट हिंदुस्तान पे नहीं आया। आज तो आप लोग जबरन जो RBI को नहीं जानता, RBI की डेफिनेशन का नहीं पता, आप उसको RBI का गवर्नर नियुक्त कर रहे हो और रात के अंधेरे में सन्नाटे में 1:30 बजे जबरन RBI से आप पैसा निकलवा रहे हो। जिस रिलायंस को चाकू बनाने का तजुर्बा नहीं, आप उसको हवाई जहाज का, राफेल का, देश की सुरक्षा का उसका ठेका देते हो। HAL को छोड़ के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को छोड़ के, तो जिस तरीके से मोदी जी ने, मोदी जी के राज में, मोदी जी के शासन में जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए, जबकि 101,75,000 करोड़ रुपया किसान का था। मैं किसान की बात इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, तो ये मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो गए ना, क्या इन मुद्दों को लेकर हमें वोट मिलेगी? स्थानीय मुद्दे पर हमें क्या वोट मिलेगी? स्थानीय मुद्दों के साथ साथ ये राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि जब इस लोकसभा का चुनाव में जो वोट डलेगा वो दिल्ली के तख्त और ताज का फैसला करेगा। स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे स्थानीय हैं, यहाँ सड़कें टूटी हैं, जर्जर अवस्था है, एजुकेशन की कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो किसानों के, अब देखिए आप इतिहास पढ़ते हैं, आज़ादी से पहले आप और हम जब पैदा नहीं हुए थे, आज़ादी से पहले या तो नरसंहार जलियांवाला बाग में हुआ था या फिर जींद में चौटाला साहब ने किया था, दिग्विजय के पिताजी ने, जो अभी बीजेपी के साथ, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बीजेपी के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकिए? वो एक केवल वोट कटवा और एक मोहरा बन के भारतीय जनता पार्टी का आया है, कोई विजन नहीं है, कोई राष्ट्र की सोच नहीं है, कोई बात उनके पास नहीं है। तो ये मुद्दे हैं हमारे पास, शांति, सद्भावना, भाईचारा और जींद का विकास और तरक्की की बात है, पूरे लोकसभा सोनीपत की बात है, और स्थानीय मुद्दों से बहुत बड़ी बात अहमियत है राष्ट्रीय मुद्दे, नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र होगा तो हम होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सो बात के बाद कौन टक्कर दे रहा है आपको यहाँ? अब मुझे, मैं ये शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के विकास और मोदी के जुमले,
उन्हीं के बीच में ये टक्कर, ये जो टक्कर तो मैं खास नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश, जो मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि यहाँ वो जैसे उत्तर प्रदेश में मजहबी उन्होंने दंगे करवाए, तो खट्टर साहब की एक सोच है, बीजेपी की एक सोच है, आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा उनकी, तो यहाँ पे वो जातीय दंगे करवा सकते हैं। और जो आपने मुझे पहले पूछा था, या तो अजय सिंह चौटाला के हुक्म से यहाँ 9 किसानों का कत्ल हुआ, उससे पहले जलियांवाला बाग में हुआ, और उसके बाद हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा को कत्लेआम सरकारी गोली से कोई लोग मरे हैं, तो 50 और 55 लोग बीजेपी गवर्नमेंट में, चाहे वो सरसा में मरे हों या चाहे पंचकुला में मरे हों। जी, तो ये तो जनता उनसे हिसाब लेगी इस बात का। जी, जनता उनसे हिसाब लेगी और जनता का हक भी है हिसाब लेना, तो उसे चर्चा करना। जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या लगता है आपको कि कौन विजय होने वाला है इस लोकसभा क्षेत्र से? हुड्डा साहब। हुड्डा साहब, कोई विशेष कारण? हुड्डा साहब सब कुछ बहुत काम कराए। अच्छा, सब कल सब ने साथ लेके चला है। जी, जीत इतनी आसान होगी? बहुत आसान होगी। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेक के विकास करवाए यहाँ पर, किसानों के लिए जो 2.5 एकड़ का किला था वो हुड्डा साहब ने 30 लाख तक पहुँचा दिया, और जो किसान की फसल 6 रुपये किलो गेहूँ बिकती थी वो 18 रुपये किलो। जी, आपका क्या कहना है इस विषय? माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही कदावर और दासु नेता हैं। अच्छा, इनका कोई मुकाबला नहीं है, और ये जितना सिद्धांत राजनीति में इनका है शायद ही किसी का होगा। जी, राजनीति में सिद्धांत ये बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जींद की जो चुनावी सभा है, टक्कर के अंदर सभा है पूरी, सभी लोग अपने अपनी विचारधाराएं रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।